सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एंड अमेजिंग वीडियो। सो SBTU कानपुर सचमुच में इतना अच्छा कॉलेज क्यों है, आओ डिस्कस करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष चौधरी एंड यू आर वाचिंग JT6U, हम सभी का चैनल। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सर, SBTU कानपुर इतना अच्छा कॉलेज इसलिए है क्योंकि यार ये 1929 में एस्टेब्लिश हुआ था, और जब मतलब हम लोग का कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था 1929 में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट तो यार ये कि ये बहुत पुराना कॉलेज है। ओके, तो जो हार्कोर्ट बटलर जो मतलब जो भी होंगे इंग्लिश मिशनरी मतलब जो भी होंगे, उन्होंने इस कॉलेज को मतलब स्टेब्लिश करवाया था, उन्होंने बनवाया था उनके नाम से। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट आने के बाद बन गया था 1950 के बाद में। बस यार ये बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, टॉप 1 पे आती है अपने पूरे स्टेट गवर्नमेंट में, NITs और IITs को छोड़ दिया जाए तब। एंड यार हाँ, अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसकी बहुत ही ध्यान से सुनना। SBTU कानपुर ही एक ऐसा कॉलेज है पूरे UP में जिसमें ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और बाकी लेदर टेक्नोलॉजी, ऐसी इतनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं कि इस कॉलेज का कुछ भी नहीं कहना है। बाकी MMUT गोरखपुर और IIT लखनऊ में मतलब ऐसी ब्रांचेज हम लोग को यार देखने को मिलेगी नहीं, आई स्वेयर। मतलब सच में ऐसी ब्रांचेज यार मतलब देखने को नहीं मिलेगी MMUT और IIT, MMUT गोरखपुर, IIT लखनऊ में जितनी ढेर सारी ब्रांचेज इसमें है ये कॉलेज ऑफर करता है। तो इसलिए इस कॉलेज को NIT का दर्जा दिया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें इतनी सारी ब्रांच है, एवरेज प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो इसलिए ये कॉलेज NIT के टक्कर का आराम से माना जाता है। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस कॉलेज को जाता है। इसकी ढेर सारी ब्रांच, इसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेज हैं जिसकी मतलब जनरल की कट ऑफ अराउंड 2-3 लाख में चली जाती है। लेदर और ऑयल पेंट टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब में बहुत ज़्यादा रैंक जाती है। एंड यार अलग सर को यार आप लोगों ने सुना होगा, अलग पांडे सर जो कि आज हर जगह छाए हुए हैं न्यूज़ में, रिपोर्टिंग में, उन्होंने इतना उन्होंने यूट्यूब से अपने करियर की स्टार्टिंग की और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यार वो भी इसी कॉलेज से थे। ओके, SBTU कानपुर से अलग सर वजह से कॉन्सेप्ट यार सचमुच में बहुत सही है, और ये वो भी मतलब इसी कॉलेज से थे। बाकी इस कॉलेज की यार प्लेसमेंट्स बताती हैं, प्लेसमेंट्स यार यहाँ की सच में कोर ब्रांचेज हो गई, एंड प्लेसमेंट जैसे यार यहाँ की कोर ब्रांचेज हो गई जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यहाँ की कोर ब्रांच की प्लेसमेंट सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अराउंड 60-70% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। और बाकी CSIT की प्लेसमेंट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वही मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 30-40 लाख प्लेसमेंट पैकेज हर साल मतलब जाता रहता है CSIT के स्टूडेंट्स का। उन लोगों को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह हो गए, ये तुरंत हायर कर लेती है CSIT वालों को। और बाकी अगर गेट्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये भी बेस्ट कॉलेज रहने वाला है गेट्स की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ की फैकल्टी सचमुच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और हेल्पिंग है, सो गेट्स की प्रिपरेशन के लिए ये वाला कॉलेज भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओके, और बाकी अगर बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट की, तो यार एवरेज प्लेसमेंट यहाँ की अराउंड बस वही है 7-8 लाख के अराउंड ना, मतलब घटता बढ़ता रहता है, कोई इतना मतलब खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। IIT लखनऊ और MMUT गोरखपुर जैसे कॉलेजेस हैं, इवन माय कॉलेज के NIT सुल्तानपुर, इन लोग की मतलब प्लेसमेंट का एवरेज प्लेसमेंट ये देखने को मिलती है 7-8 लाख के अराउंड है, कुछ खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेकोरम जो है वही बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का अच्छा रहने वाला है। एज हम लोगों ने देखा है इसकी फोटोज़ में, इसकी फोटोज़ में देखा है गूगल पे, बड़े बड़े पेड़ हैं और बिल्डिंग भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, तो यार मतलब सच में भी ऐसा है। और बाकी रिव्यूज़ भी बताते हैं कुछ अच्छी वेबसाइट पे जैसे क्योरा और Kira360 जैसी अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन लोग भी मतलब बताते हैं क्या कि मतलब कोर ब्रांचेस के लिए ये कॉलेज बेस्ट है। और मैंने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी 2021 में काउंसलिंग में, ये मेरे कोई वाला कॉलेज ईजिली मिल जाता, लेकिन मतलब मेरे को ब्रांच चेंज करनी होती, जैसे कोर ब्रांचेज हो गई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बाद जैसे ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब ब्रांचेज में मुझे ट्राई करना था तो ईजिली मेरे को मिल जाता। मेरे को जैसे फूड टेक्नोलॉजी में जाना था तो उसमें मतलब मेरे को एक कॉलेज ईजिली मिल जाता, बट मैंने बेवकूफ़ी कर दी इसलिए मेरे को नहीं मिल पाया। ओके, सो मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी। सर आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पसंद है BTech में तो यार आप कर सकते हो, कोई मतलब दबाव नहीं है कि यही करना है, कोई मतलब ये दबाव नहीं है कि CSIT लेना है। मतलब आज हर एक चीज़ में स्कोप है, आप लोग को मतलब वो बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर से। ओके, सो यार ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ मुझे को शेयर करनी है। सो ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ आप लोग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।